जोगनी माता के मंदिर यहाँ पे प्रथा है कि यहाँ पर अगर तीन पत्थर यहाँ पे फेंक के अगर ऊपर फंस गए तो मन की इच्छा पूरी हो जाती है। मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, एक चीज दिखाने वाला हूँ अभी जो कि आप लोगों ने देखी नहीं होगी। मैं आपकी हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। घोड़ा है, एक ही घोड़ा है। ऊपर ऐसी पूरी बन रही है यहाँ पे। देखो हमारी शक्ल कितनी कैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं 10 दिनों से नहाया नहीं, पर मैं नहा गया हूँ, रोज रोज नहाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं छुड़का पानी, क्या होना है पानी का वहां का। तो गाइस आज मैंने हेलमेट ले लिया 2500 का, देखिए कैसा है। आज ही खर्चे पैसे मामू मेरा बोनी हो गया, तो बटन टूट गया। देखो बेचारे का बटन टूट चुका है पहले से ना। मेरे को छुपा पकड़ वाला, और यहाँ पे ट्रैक्टर लोड हो रहा, देखो रोड बंद है यहाँ पे हमारा। मरा हेलमेट तक लग रहे हैं बड़ी थोड़ा ना, हो रहा है। ये देखो ये यहाँ पे हम खड़े हो चुके हैं थोड़ा बैठने के लिए। देखो ये हमारे दो बाइक हैं, ये हमारा छपरी है, देखो इसके हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये अपने ओठों के कुछ कर रहे हैं, इन्होंने साहिल देखिए मेरे बाल, इन्होंने साहिल के साथ कुछ किया है, गलत काम नहीं किया बट पता नहीं क्या किया, इन दोनों ने कुछ गलत काम किया है। देखो गाइस आज बरखा का मौसम हो गया है। ये देखो हमारी बाइक पीछे से एक और आ रही है, तो मेरी शक्ल इतनी अच्छी हो रही है, इतनी है नहीं वैसे, पर जोगनी माता के मंदिर यहाँ पे प्रथा है कि यहाँ पर अगर तीन पत्थर यहाँ पे फेंक के अगर ऊपर फंस गए तो मन की इच्छा पूरी हो जाती है। मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, देख पहला फंस गया इसका, दूसरा फंस गया, तीसरा फंस गया, जय हो। तू चलो ला उठ पत्थर सट, जय हो। पहला फंस गया, दूसरा फंस गया, तीसरा भी हो गया। आए गिर गया, गिर गया, गिर गया। जा रहे हैं मन की थपुरी। पहला ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे पत्थर गिर गए हैं तो मैं इनको साफ कर रहा हूँ। बेचारा तू सार अधर्मी बंदा। पत्थर थे यहाँ पे, कितने सारे पत्थर फंसे यहाँ पर, मेरा एक पत्थर भी नहीं यहाँ पे फंसा गाइस, मेरा सारे पत्थर फंस गए हैं ऊपर। तो अब हम यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हैं, देखो अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो गए शायद, चलो चलते हैं। चलो इस रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अब, मेरे को कुछ पता नहीं, आइडिया ही नहीं इसका। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे, देखो ऊपर जाके ये पीपल का पेड़ है। अब यहाँ पे बाइक मोड़ेगा बंदा, पे
ये मंदिर है आप लोग देख सकते हो सड़क से ऊपर आके। तुमको एक चीज दिखाने वाला हूँ अभी जो कि आप लोगों ने देखी नहीं होगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ जो कि पहाड़ी बंदों को पता होगी, ज्यादातर बाकी शायद ही पता हो। ये पेड़ से निकाली जाती है, ये गम है एक टाइप का गोंद। देखो पर ये बंदा यहाँ से इसको छुड़ा रहा था, देखो इसकी शक्ल। इसके अंदर हम इसको डाल के देखेंगे भाई क्या है ये। देखो ग्लू है ये, देखो इसका करेंगे कुछ हम अभी। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक भी बात है, देख सकते हो। ऊपर धुआं धुआं है। अब मैं मिलता हूँ सीधा आपको धुआं देवी के मंदिर के नीचे, जैसे क्योंकि ब्लॉगिंग जहाँ पे रोड स्टार्ट होगा धुआं देवी का। बहुत ही जल्दी पक्का हो जाएगा क्योंकि मंदिर की कमेटी काम कर रही है इसके लिए। देखो उनकी बाइक, देखो पहुंच चुके हैं हम धुआं देवी यहाँ पे। यहाँ देखो ये देखो गेट, देखो जय माता की धुंध, देखो नाम है धुआं देवी माता के मंदिर। और देखो फॉग, धुआं, धुंध, धुंध, गाय, घोड़े, हेलो घोड़े बड़े भाई। और हमारा हेलमेट ये खुल चुका है, देखो जादू की वाला हेलमेट है ये। मतलब ओपी लेवल की धुंध है, पड़ी हुई भाई। ओ इनको साहिल जी हमारे उठाएंगे और कूड़ेदान में फेंकेंगे। यहाँ पे चियार के पेड़ है, चंदन चंदन के पेड़ नहीं होते भाई। यहाँ चंदन के पेड़ होते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं। गाड़ी फंस चुकी है, देखो आप देखना पाचे कैसे जाएगी यहाँ से आराम आराम से। एंट्री यहाँ पे गेट पे आप लोग देख सकते हो, बाइक के बुक के पार्क सब कुछ वैन बढ़िया। ओके रिपोर्ट। और ये यहाँ पे क्या साउंड है घंटी का देख सकते हो, हमारा भाई बैग के साथ, ये मैं, ये हेलमेट के साथ। मंदिर के अंदर फोटो लेना मन है तो बार बार से दिखाएंगे हम। अच्छा वगैरह टेक लिया तो हम जा रहे हैं यहाँ पे, देख तो आप लोग पीछे का व्यू मतलब बहुत ही अच्छा है। अभी हम यहाँ पे दूसरी बार आएंगे, वो हेलमेट रह गया, पर हमारा बैग भी रह गया, मतलब अभी सामान यहाँ पे रह जाता इसको बंदे को याद आएगी। तो मंदिर भाई जगह बहुत अच्छी है, आना चाहते हो तो सब आओ यहाँ पे मेरे हिसाब से। इस पागल ने अपना हेलमेट उठाया और बस चल पड़ा, मेरा बैग ऐसे रहने दिया इसने। तो मैं मिलता हूँ आपको बाइक के पास, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जाने की तैयारी के जा ही रहे हैं अब तो। शक्ल पता है, देखो मंदिर आप लोग देख सकते हो, गेट पूरा है बहुत अच्छा। तो ये हमारे शेर से जो जी हमारे, तो हम चल जय हो अगली बार भी। अब तो ये जंप वगैरह की परवाह ही नहीं कर रहा लड़का,
जैसे इससे हो रहा है वैसे कर रहा है बेचारा, बड़ा दुख हो रहा है हमको इसका इसका और इसकी बाइक का। तेरी बंदे ने क्या हुआ धोखा दे दिया है? आपकी बंदे ने आपको धोखा दिया सर? मेरा भी कटा है ब्रो, मतलब बहुत अच्छे व्यू है यहाँ पे, अगली बार भी इससे आएंगे हम, अगली बार हम अपनी बाइक लेके आएंगे अगर आ गई तो। यहाँ पे रास्ते थोड़े खराब है इसलिए फोन जेब में डाला अच्छा है, इसका भरोसा नहीं है कहीं हो गया काम खराब तो। बहुत अच्छी जगह है तो भाई, मतलब ऊपर से पानी आ रहा है वाटरफॉल टाइप, ऐसा परी कट गया यहाँ पे। हुआ है जाने वाला टाइम हुआ है हमारे पास, ऐसे सेट हुए अगर ऐसे हो जाते तो हम अच्छे व्यू आप लोग दे सकते हो, मतलब बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पर, ज्यादा ज्यादा पोल्यूशन नहीं है बट खतरनाक व्यू है। मैं आपको दूसरी कैमरे से दिखाता हूँ कैसा व्यू है। सड़क भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, बना के हम हो चुके हैं फिर हम अभी जा रहे हैं, हम अभी थे मजवाड़ में जो कि धुआं देव के नीचे, जैसे हम जा रहे हैं अभी हम आप सीधे मिलते हैं आपको मंडी में, तब के लिए बाय 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 कर बाय। यहाँ पे देखो ये बंदे छपरी, ये देखो सॉरी ये बैल है, ये बैल का भाई है। यहाँ पे 3:30 हो चुके हैं और हम बैठे हैं यहाँ पे भीमा काली के मंदिर के सामने। एक बंदा गया है बंदे को लेने, भाई साइकिल वाला राइडर बहुत ही अच्छे से आया, क्या राइडर मार रहा है। बैठे अभी मगाली के मंदिर के सामने, अब लड़कियां भी पर से शायद ब्लॉग कर रही हैं, ये बेचारियां बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं, ये ब्लॉग कर रही हैं। देखो हमको भी ले दो ब्लॉग में, मैं बोला मंदिर है जी, ये ऊपर का गेट है जी। ये के बाद हम आ चुके हैं यहाँ बस स्टैंड पे, आप लोग देख सकते हो ये बंदा है बैठे यहाँ पे बस स्टैंड में, अभी हम कर रहे हैं बस का वेट। तो आज के सिर्फ नहीं ब्लॉग इतने हो पाया, अब आपको मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।